नेपाल की लोकेशन दरअसल बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि नेपाल ही वो कंट्री है जो कि बिल्कुल भारत से लगी हुई है, एडजेसेंट है, और नेपाल के जरिए ही सीमा हैदर और सचिन भारत आए थे। लेकिन इस बीच हम आपको बताते चले कि इस वक्त हम दरअसल मौजूद हैं, देखिए, कोतवाली रघुपुरा में, जहां पर FIR दर्ज हुई, जहां पर दो दिन जो UP ATS है वो पूछताछ के लिए ले जाने से पहले सीमा हैदर को, सचिन को यहाँ पर लेकर आई। लेकिन कल सीमा हैदर के साथ उसके दोनों बड़े बच्चे भी यहां पर आए थे, जिससे कि पूछताछ में सीमा हैदर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सके और सीमा हैदर के स्टेटमेंट को उनके बच्चों के स्टेटमेंट से मैच कराया जा सके। न सिर्फ इतना, बल्कि आज सीमा हैदर को सेफ हाउस में रखा गया है। लेकिन 13 मई की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि नेपाल से 13 मई को एंट्री की जानकारी सामने आ रही है कि 13 मई को सचिन और सीमा की ओर से दावा यह किया गया है कि उन्होंने भारत में एंट्री ली है। लेकिन वहां पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दरअसल ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज सामने ही नहीं आया, उनके वहां पर होने का कोई फुटप्रिंट ही नहीं दिखाई दिया। इसलिए अब जो जांच का दायरा है वो यहां से लेकर नेपाल तक बढ़ गया, क्योंकि संभव यह है कि जानबूझकर वहां पर कोई फुटप्रिंट ना छोड़ा गया हो। रिपोर्ट देखिए जरा। क्या है 13 मई की पहेली? सीमा के नेपाल रूट के दावों में कितना दम? सचिन का प्यार या ISI की एजेंट है सीमा? सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत पहुंची और सचिन से शादी की, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीमा सचिन के प्यार में भारत आने का दावा कर रही है, लेकिन उसके दावों पर जांच एजेंसियों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। उसकी कई गतिविधियां भी संदिग्ध लग रही हैं, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और उस मुल्क से भी जहां से कई बार देश के खिलाफ साजिश रची जा चुकी है। ऐसे में एजेंसियां हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं। भारत दाखिल होते ही सीमा हैदर नोएडा के रघुपुरा गांव पहुंची और यहां वो सचिन के साथ रहने लगी, और जैसे ही उस पर सवाल उठने लगे, उस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कसता चला गया। कुछ दिनों से आके इस घर में रह जरूर रही थी, लेकिन वो दुबई क्यों गई, दुबई से फिर नेपाल क्यों आई, और नेपाल आने में उनकी किसने मदद की, एजेंट कौन रहा होगा, पैसे कहां से आए हैं, कौन सा वो जरिया बना जिससे कि सीमा हैदर यहां पे पहुंची हैं, और यहां पर पहुंचने के बाद, भारत में दाखिल होने के बाद, आखिर उन्होंने कौन से संसाधनों का इस्तेमाल किया, किसने उनकी मदद की, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अब भी बाकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान से भारत पहुंचने में किसी तीसरे शख्स ने भी मदद की है। किसी तीसरे शख्स ने सीमा को पूरी तैयारी के साथ भारत की सीमा में दाखिल कराया। सीमा ने पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप किया और अपनी वेशभूषा बदली थी। सीमा के मेकअप के लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीमा ने सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए अपने बच्चों का भी ड्रेसअप कराया था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सीमा को नेपाल में हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों ने सीमा को पूरी ट्रेनिंग दी। सीमा हैदर के मामले में यूपी सरकार भी अलर्ट है और पूरी जांच पर गहनता से नजर रखी जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। सीमा हैदर को लेकर नोएडा के रघुपुरा गांव में लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सीमा जासूस साबित होती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जाएंगे जेल, जाएंगे फिर तो कोई बख्शा ही नहीं जाएगा। देश से बड़ी थोड़ा ही है फिर कोई सीमा हैदर। देश बड़ा है हमारा, अगर देश को नुकसान होने लगा कल को क्या होगा। फिलहाल सीमा हैदर UP ATS के सेफ हाउस में है और उससे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। UP ATS की टीम इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पाकिस्तान और ISI एंगल को भी खंगाला जा रहा है।